गुड मॉर्निंग, हम हैं जैसलमेर में और यहाँ पे हम रुके हैं और यहाँ पे करीबन 8:30 बजने आए हैं। तभी हम बाहर निकले हैं क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि मतलब बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा। गद्दे वद्दे दो गद्दे लेके सो रहे हैं अंदर। और जैसलमेर में हम अभी जा रहे हैं चाय पीने, सुबह सुबह का टाइम है और माहौल भी इधर का शांत है, इधर भी गर्मी किले जैसे लगते हैं देख। हाँ, और यहाँ पे भी जो मैंने सुना है कि लोग यह कहते हैं कि राम राम भाई, राम राम। लोग यह यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पे सोने की मतलब गोल्डन सिटी कहते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए पीछे मेरे, ये पूरा पीला पीला लग रहा है। तो यहाँ पे गोल्डन सिटी इसलिए क्या कहा जाता है कि यहाँ की जो पत्थर है वो गोल्डन जैसे होते हैं, पीले पीले होते हैं और यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन आता है सन का, सूरज का प्रकाश आता है जब, तो वहाँ पे वो पीला हो जाता है, मतलब गोल्डन टाइप हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ये देखिए आप, पूरा गोल्डन लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है, मतलब गोल्डन पूरा, इसलिए यहाँ पे गोल्डन सिटी भी इसलिए कहा जाता है। और यहाँ हमारे साथ ये रिक्शा वाले हैं हमारे, जो हमको घुमा रहे हैं जैसलमेर। ये आपको बताएंगे यहाँ पे कहाँ कहाँ पे घूमने जैसा है और कितने जगह पे है, ये बताएंगे। बोलिए। यहाँ किला है, फोर्ट है वो देखने के लिए, गरीसर लेक है और पटवा हवेली है, नर्मल हवेली, राजा का महल, ये पॉइंट है देखने के लिए यहाँ जैसलमेर में। ये जैसलमेर नगरी है, साउंड नगरी है एकदम। एक मतलब आप घुमाते हो तो कितना चार्ज लेते हो पूरी जगह घुमाने का? हम एक आदमी का 100 रुपये चार्ज लेते हैं घुमाने के लिए, जैसे पॉइंट है पूरे घुमा के वापिस छोड़ देते हैं। आपको अगर आना है इधर तो रिक्शा वाले की कॉन्टेक्ट कर लीजिए, आप घुमाएंगे। नाम है अमूल भाई, इनका नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगा। और आपको 100 रुपये चार्ज करेंगे, उसमें आपको लेक घुमा देंगे। कितनी हवेली है? 5 हवेली घुमा लेंगे एक साथ में, और साथ ही साथ आपको फोर्ट भी घुमा लेंगे। और आपको फ़ायदा भी है कि 100 रुपये में आपको, अगर यहाँ पे मैंने देखा भी है कि कुछ लोग होते हैं कि 1 किलोमीटर भी जाना होता है तो 100 रुपये चार्ज करते हैं कि 100 रुपये लगेंगे, मैंने देखा है। इसके लिए मैंने हमने इनको पूछा तो उन्होंने बताया कि 100 रुपये लगेंगे, आपको हर जगह घुमाएंगे और आपका टाइम आपके हिसाब से आप घूम सकते हो फ्रीडम। हम आ चुके हैं गड़ीसर लेक, जो जैसलमेर में है, और यहाँ का मुझे मालूम नहीं है क्या है, पर यहाँ का मार्केट अभी स्टार्ट, अभी एंटर हो रहे हैं, तो वहाँ पे ये सब कैप्स दिखे। हम अभी यहाँ से किले की ओर जा रहे हैं और किले में आपको जाके फिर आपको वहाँ का भी व्यू कराएंगे
और बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, और हो सके तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। गेट क्या, ये देखो यहाँ पे मेन गेट है, ये मेन गेट है, यहाँ से आप अंदर आओगे उसके बाद में ये ढलान आएगी, तो ढलान के बाद आपको यहाँ पे मेन दूसरा गेट आएगा, और यहाँ पे रामदेव जी का मंदिर है। मासा जी मंदिर में जाना दर्शन करवा, गेरी गेरी बिरखा भाया हे पाछा कहियां जाओ, गेरी गेरी बिरखा भाया साची साची बात बताओ जियो, साची साची बात बताओ जियो, खम्मा 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 रे कवरी अजी माल रुणी चेरा राजा। रामदेव जी का मंदिर है, ये कितने साल पुराना आपने बताया? 550 साल पुराना है, और इस मंदिर को रिनोवेशन करके फिर ऐसा बनाया गया है ताकि ये नया लगे, और इसकी बरकरार है ये मंदिर लगे इसके लिए। किले में आप एंटर होते हैं और सामने ही आपको रामदेव जी का मंदिर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगी जो राजस्थान में वर्क वर्क किया हुआ पूरा वर्क का काम है, यहाँ पे आपको मिलेगी, और साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको किले के अंदर भी मार्केट की जो चीज़ें होती है उसकी सारी चीज़ें मिलती है वहाँ पे, मैं दिखा दीजिए आपको वहाँ पे। देखिए ये पूरा जो वर्क का काम है वो जो ड्रेस मटेरियल है, जो स्टैचूस है, और ये रेस्टोरेंट भी आप बोलेंगे पूरा शॉप है। घूमर 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 घूमर
गजरी घूमर रमवा में जासा बंद की लूम लड़ उड़ी उड़ी जाए कोई पच रंगी लहरी एरो पलो लहरा कोई पच रंगी लहरी एरो पलो लहरा धीमी चलो रे बायरिया होले चलो रे बायरिया झलो सयो नहीं जाए धीमे चलो रे बायरिया झलो। ये लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर है, अंदर फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं था इसके लिए हम फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर पाए। यहाँ पे भी वो जो श्री लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर था, उसके बाद ये रत्नेश्वर महादेव जी का मंदिर है, इसमें हम एंटर नहीं हो रहे क्योंकि हमको लेट हो रहा है, इसकी वजह से हम बाहर से दर्शन करके जा रहे हैं। और ये देखिए कृष्ण, देखिए हनुमान जी का, यहाँ पे हम जा रहे हैं तोप देखने। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको वो मिलेगी पूरी दुकान है, मतलब यहाँ पे देखो ये घर भी है। तो सनसेट पॉइंट मैंने पहली बार देखा है, जब तक मैं किलो में घुमा हूँ पर आते मैंने नहीं देखा, पर यहाँ पे देखिए पूरा लुक देखिए, यहाँ पे जो क्रिएशन है, हाँ सच्चा दरबार। ये होटल शिवा गेस्ट हाउस, अंदर भी आपको बहुत सारी होटलें मिल जाएगी। मैंने आज तक जितने भी किले घूमे हैं पर ऐसा किला नहीं देखा जिसमें पब्लिक भी रह रही है अंदर, कि बाहर मतलब जो घर भी है अंदर होटल भी है और साथ साथ वो कॉमेडी वो कितनी छोटी छोटी घड़ी है तोप है ऊपर है भारत पहले पूछो तो खरी कोई भी चीज में खुद डिसीजन नहीं ले मारू अने क्यों आ है जरा सा तेरा हो जा पल मामल पल्लो लट के जैसा तेरा हो जा पल मामल पल्लो लट के सपना हमारी दुनिया हमारी खुशियां माने मन्नत मिल गई देख ओ बनी सा मान जन्नत मिल गई है देख ओ बनी सा मान जन्नत मिल गई हो चम 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 के चुनरी बन जा रे चम 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 के I'm
गाइस, करीबन 7:30 बजे आज जल्दी उठे हैं क्योंकि आज हम जैसलमेर के बाहर जाने वाले हैं, तनोट माता और बॉर्डर, और साथ ही साथ इनोवा आ रही है हमारी, जो कल बुक करी थी हमने इनोवा, करीबन 7,000 के अराउंड हमारी बुक हुई है और 9 मेंबर है, एक इनोवा में आ जाएंगे, इसके लिए इनोवा भी आती होंगी और साथ साथ में हम वहाँ से पूरे दिन घूमेंगे। नगरी प्यारी अदाऊँ में दिया तर झलू तो निकार नगरी प्यारी सार मेरी अदर झलू तो जसानी नगरी प्यारी अदाऊँ में दिया तर झलू तो निकार नगरी हुए लम्हों, जरा ठहरो, जरा ठहरो।
जवान आई है जवान रकबा जी रे बल्लू ड्राई के का है लगन का डर तो है लगन डर है क्या हूं माधव जी लगन डर तो है कैसी घेरा घूम है हीरा पा दे बनावा 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 क्या गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमारा जैसलमेर में आखिरी दिन है और आज हम लेट उठे हैं क्योंकि आज कहीं जाना नहीं है क्योंकि आज 3 बजे की हमारी ट्रेन है, फिर हम चले जाएंगे हमारे घर। बस 4 दिनों में मैंने जो एंजॉय किया है, मतलब जैसलमेर में सम देखा है, फिर तनोट माता जी का मंदिर, फिर लोंगे वाला बॉर्डर, वो सब देखा मैंने, एंजॉय किया। आप सब भी वहाँ पे जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और एक मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, पर सम में जाओ आप तो वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि वहाँ पे आपको लूटने वाले भी बैठेंगे, फिर वहाँ पे चोरी चकारी भी होती है, तो वो सब चीज़ का भी ध्यान रखें। और साथ ही साथ वहाँ पे कैसा है कि आपको बोलेंगे 400 रुपये, 600 रुपये, और फिर मैं तो मुझे तो लगता है कि महंगा ही है क्योंकि हम कहीं पर भी जाते हैं तो इतना मैंने देखा नहीं है। फिर आप सम के रण के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको 50-50 रुपये में सामने से आएंगे बुलाने कि भाई 50 रुपये आपको करा देंगे कैंपर सफारी, और वहीं बाहर आपको 400 रुपये बोलेंगे। तो उस सब चीज़ों से बच के रहिए और आइए जैसलमेर और एंजॉय कीजिए।